नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सोडियम पिकोसल्फेट सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को कैसे लेना चाहिए और सोडियम पिकोसल्फेट सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। सोडियम पिकोसल्फेट सिरप का उपयोग कब्ज की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। सोडियम पिकोसल्फेट सिरप कब्ज की समस्या को दूर करके पेट को साफ करती है। सोडियम पिकोसल्फेट सिरप एक स्टीमुलेंट लैक्सेटिव दवा है जो आपकी आंतों की मूवमेंट को बढ़ा देती है और आपकी आंतों में जो स्टूल होता है उसको बाहर निकालने में मदद करती है। सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को डॉक्टर सर्जरी से पहले या कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स करने से पहले पेट की आंतों को अच्छी तरह साफ करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को शाम को सोते समय लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर 10 ml से लेकर 15 ml पिकोसल्फेट सिरप को दिन में एक बार और शाम के सोते समय लेने की सलाह देते हैं। सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को लेने के बाद आपको पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को लेने के बाद आपको कम से कम एक गिलास हल्के गर्म पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। सोडियम पिकोसल्फेट सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोडियम पिकोसल्फेट सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सोडियम पिकोसल्फेट सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में सोडियम पिकोसल्फेट सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, पेट में ऐंठन, दस्त व उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स सोडियम पिकोसल्फेट सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। पेट की आंतों में रुकावट होने पर, पेट में बहुत तेज दर्द होने पर, उल्टी होने पर, बुखार होने पर, अपेंडिसाइटिस होने पर, शरीर में डिहाइड्रेशन होने पर, यानी शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा होने पर सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को नहीं लेना चाहिए। आपको सोने से कम 30 मिनट से लेकर एक घंटे पहले सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को लेना चाहिए। आपको सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को लेने के बाद तुरंत सोने से बचना चाहिए। लगातार 5 दिन से ज्यादा सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लगातार लंबे समय तक सोडियम पिकोसल्फेट सिरप का सेवन आंतों की नॉर्मल कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको कब्ज की समस्या बनी रहती है तो पहले उसके कारण का पता लगाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कब्ज होने के कारण का पता लगाए बिना सोडियम पिकोसल्फेट सिरप का सेवन लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। कब्ज से बचने के लिए आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए और हर रोज कम से कम 8 से लेकर 10 गिलास पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सोडियम पिकोसल्फेट सिरप या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को सोडियम पिकोसल्फेट सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को ले सकती हैं या नहीं। वैसे सोडियम पिकोसल्फेट सिरप प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे
बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को लेने की सलाह तभी देते हैं जब सोडियम पिकोसल्फेट सिरप का देना बहुत ही जरूरी हो। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सोडियम पिकोसल्फेट सिरप का सेवन करना सुरक्षित है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सोडियम पिकोसल्फेट सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका सोडियम पिकोसल्फेट सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।